व्हाट इज द डेट टुडे स्टूडेंट्स? डेट क्या है आज? व्हाट इज द डेट टुडे? अनम्यूट करके बता सकते हो. यस, फाइव. विच मंथ गोइंग ऑन? अगस्त. विच ईयर गोइंग ऑन? अगस्त. विच ईयर कौन सा चल रहा है? 2021. What is the day today? Thursday. Okay, today I'll teach you English grammar. Take out your English grammar book and notebook both. English grammar. Chapter number 3. The name of the chapter is Naming Words. Okay, in this chapter we will read about naming words. Ki naming words kya hote hain? नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ओके, नेमिंग वर्ड्स क्या क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स किसी प्लेस का नाम, कोई पर्सन का नाम, कोई थिंग का नाम और कोई एनिमल का नाम और बर्ड्स का नाम. इन सब के नाम को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स. किसी प्लेस का नाम, प्लेस के नाम में हम देखें तो जू, स्कूल, हॉस्पिटल, स्ट्रीट, माउंटेन्स, ये सब प्लेस में आते हैं. ओके, पर्सन में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बॉय, गर्ल, ये सब किस में आएंगे? पर्सन में आएंगे. ओके, हमारा नाम, हम लोग किस में आएंगे? पर्सन में. थिंग्स का मतलब है मार्कर, बोर्ड, बुक्स, टेबल, चेयर, कैमरा, कंप्यूटर. ओके, ये सब किस में आएंगे? थिंग्स में. एनिमल्स में काउ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, जो भी एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, सब सारे एनिमल्स इसी में आते हैं. ओके, वाटर एनिमल्स. बर्ड्स, काउ, सॉरी, स्पैरो, क्रो, पिकॉक, ये सब किस में आएंगे? बर्ड्स में. ओके, तो इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स. माई नेम इज, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, माई नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है. तो आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि इस लाइन में नेमिंग वर्ड कौन सा है. माई नेमिंग वर्ड है क्या? माई किसी में आता है? प्लेस में आता है, पर्सन में आता है, थिंग में आता है, एनिमल में आता है, बर्ड्स में आता है? नहीं आता. नेम भी किसी में नहीं आता. इस भी किसी में नहीं आता. रोहन किस में आता है? प्लेस में आता है. रोहन किसी जगह का नाम है? नहीं. रोहन किसी पर्सन का नाम है? यस. पर्सन मींस क्या होता है? इंसान, ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई लोग, उनको क्या बोलते हैं? पर्सन. तो रोहन किस में आएगा? पर्सन में आएगा. ठीक है, ऐसे लाइंस आ सकती है आपके एग्जाम्स में और वो हम आपको पूछेंगे कि इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा है. तो आपको बताना है कि नेमिंग वर्ड इसमें कौन सा है. ओके, टर्न टू पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट है डॉक्टर, नर्स, क्लाउन, टेलर. इनका फिगर बना हुआ है. द वर्ड्स डॉक्टर, नर्स, क्लाउन एंड टेलर आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स. ये सब पर्सन के नाम होते हैं. ओके, वर्ड्स लाइक बॉय, वुमेन, सिस्टर, सन एंड अंकल आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ पर्सन. ये सब भी पर्सन के नेम के अंदर ही आते हैं. बॉय, वुमन, वुमेन मीन्स औरत, बॉय मीन्स लड़का, सिस्टर मीन्स बहन, ब्रदर, सन, अंकल, आंटी, ये सब किस में आएंगे? पर्सन में आएंगे. ओके, सेकंड है मंकी, लायन, पैरेट, हैन. द वर्ड्स मंकी एंड लायन आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड द वर्ड्स पैरेट एंड हैन आर द नेम्स ऑफ बर्ड्स. ठीक है, एक ही कॉलम बना हुआ होता है इन दोनों का, एक ही कॉलम बना हुआ होता है एनिमल्स और बर्ड्स का.
इसमें हमें जो भी एनिमल्स और बर्ड्स सेंटेंस में आए हैं वो हमें इसी कॉलम में लिखने होते हैं. ओके, ये भी क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. सी है गार्डन, मार्केट, स्ट्रीट, हिल. हिल मीन्स पहाड़िया, स्ट्रीट मीन्स गलियां, रोड, मार्केट जाते ही हैं आप, गार्डन, पार्क, ये सब किस में आते हैं? पर्सन, प्लेसेस में आते हैं. ओके, और डी है डेस्क, कंप्यूटर, ब्रेड एंड कार. ये भी किस में आएंगे? ये सब आएंगे थिंग्स में. और थिंग्स भी क्या होती है? नेमिंग वर्ड्स होती है. ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे किस में आएंगे? यस काव्या, यू हैव एनी डाउट? ओके, तो ये सब किस में आएंगे? नेमिंग वर्ड्स में. टर्न टू पेज नंबर 11. देयर आर टू वर्ड्स अंडर ईच ऑफ द पिक्चर्स. यहाँ पे पिक्चर्स के नीचे टू वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें जो भी राइट वर्ड है पिक्चर को देख के उसको अंडरलाइन करना है. जैसे फर्स्ट में टाइगर एंड लायन, किसकी पिक्चर बनी हुई है? लायन की पिक्चर है, तो लायन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. सेकंड में पोर्टर और बेगर, ये कुली है या भिखारी है? पोर्टर है ना ये, तो यहाँ पे आप पोर्टर के नीचे अंडरलाइन करेंगे. थर्ड में फ्लावर और लीफ, ये पिक्चर किसकी बनी हुई है? फ्लावर की है या लीफ की है? फ्लावर की है ना, तो यहाँ पे फ्लावर के नीचे अंडरलाइन करेंगे. जिससे नहीं कर रखा है वो अभी कर लें. फोर्थ है लॉयर, टीचर. ये जिस जो फिगर में जो लेडी दिख रही है वो कौन है? लॉयर है या टीचर है? टीचर है वो, तो टीचर के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. ओके, फिफ्थ में है पार्क और स्ट्रीट, तो ये फिगर पार्क का है तो यहाँ पे पार्क के नीचे अंडरलाइन करेंगे. सिक्स कैमरा और फोन, कैमरा है या फोन है? तो यहाँ पे फोन के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, ये फोन है, टेलीफोन है. सेवन है पैरेट, क्रो. किसका पिक्चर है? पैरेट है या क्रो है? यस, ये क्या है? पैरेट, तो पैरेट के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट एट सिनेमा शॉप, ये सिनेमा है या फिर शॉप है? तो यहाँ पे आप शॉप के नीचे अंडरलाइन करेंगे. नाइन्थ है डियर और मंकी, ये डियर है या फिर मंकी है? मंकी है ना ये, तो यहाँ मंकी के नीचे अंडरलाइन करेंगे. टेंथ है फ्रिज या फिर बॉक्स, फ्रिज है या फिर बॉक्स है? ये फ्रिज है एक, तो यहाँ पे फ्रिज के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, ऐसे करके आप 12 जो वर्ड्स है उनके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. अब देखो हमें क्या करना है, अंडरलाइन करने के बाद हमें क्या करना है? नेम्स ऑफ पर्सन, नेम्स ऑफ पर्सन. यहाँ पे है एनिमल एंड बर्ड्स, यहाँ है प्लेसेस और यहाँ है थिंग्स. ओके, अब यहाँ पे जितनी भी चीजों में हमने अंडरलाइन किया था ना, जितनी भी स्पेलिंग्स में, सिर्फ अंडरलाइन की हुई स्पेलिंग में से हमें देखना है कि कौन सी स्पेलिंग पर्सन में आएगी, कौन सी एनिमल और बर्ड्स में आएगी, कौन सी प्लेसेस में आएगी और कौन सी थिंग्स में आएगी. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं. सबसे पहले किसका फिगर था? लायन. लायन किस में आएगा? लायन पर्सन में आएगा, एनिमल में आएगा, प्लेस में आएगा या थिंग में आएगा? किस में आएगा लायन? यस, एनिमल्स में. ओके, सेकेंड पिक्चर है पोर्टर. पोर्टर किस में आएगा? पोर्टर क्या होता है? चीज होती है, जगह होती है, जानवर या कोई पक्षी होता है या फिर कोई पर्सन होता है. पोर्टर कौन होता है? एक पर्सन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्टर, पी ओ आर टी आर, पोर्टर. थर्ड पिक्चर है फ्लावर. फ्लावर किस में आएगा? थिंग्स में. फोर्थ पिक्चर है टीचर. टीचर किस में आएगा? पर्सन में. टीचर कौन होती है? एक पर्सन होती है. पार्क, पार्क किस में आएगा? प्लेस में. पार्क एक जगह का नाम होता है, तो पार्क किस में आएगा? प्लेस में. ओके, नेक्स्ट है शॉप. शॉप भी प्लेस में आएगा, शॉप भी एक प्लेस का नाम होता है, एक जगह होती है शॉप. ओके, हो तो गया रिकॉर्डिंग, पॉज कर देते हैं.
ओके नेक्स्ट है डियर और मंकी, हमने किस पे अंडरलाइन किया था? मंकी पे किया था, तो मंकी किस में आएगा? एनिमल्स में. ओके नेक्स्ट हमने क्या लिखा था इसमें? फ्रिज. फ्रिज किस में आएगा? थिंग्स में. एफ आर आई डी जी ए फ्रिज. नेक्स्ट है बार्बर. बार्बर किस में आएगा? पर्सन में. बी ए आर बी ई आर बार्बर किस में आएगा? पर्सन में आएगा. और नेक्स्ट है जू. जू किस में आएगा? प्लेस में. ओके ऐसे आपको लिखना है. चलो आगे देखो पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे देखो अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज लाइंस दीज सेंटेंस. जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम में क्या आएगा, सेंटेंस दिए हुए आएंगे और उसमें आपको जो भी नेमिंग वर्ड है ना उनको अंडरलाइन करना है. मानवेंद्र बेटा आपका फैन दिख रहा है, कैमरे को थोड़ा सा नीचे अरेंज करो जिससे आपका फेस दिखे मुझे. हाँ ओके इसमें जो भी नेमिंग वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है. अब आप मैम के साथ साथ लिखेंगे. आप देखो कि सेंटेंस में नेमिंग वर्ड कहाँ लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस है द कैट इज ऑन द वॉल. द कैट इज ऑन द वॉल. इसमें देखो नेमिंग वर्ड कौन कौन सा है. दी कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता है. कैट. कैट किस में आता है? कैट आता है ना एनिमल्स में, तो कैट क्या होगा? एक नेमिंग वर्ड होगा, तो कैट के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके इज कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता है. ऑन कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता. दी कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता. वॉल. वॉल यानी क्या होता है? दीवार. किस में आएगी? थिंग्स में आएगी. तो ये भी नेमिंग वर्ड है, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है. ओके करो सब, जिसके हाथ में भी पेंसिल है अंडरलाइन करो. नेक्स्ट द बेबी हैज अ डॉल. द बेबी हैज अ डॉल. दी कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है. बेबी पर्सन में आएगा. बेबी बेबी नेमिंग वर्ड है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे हम. हैज कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है. ए कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है. डॉल. डॉल किस में आएगी? थिंग्स में. ओके डॉल एक नेमिंग वर्ड है. थर्ड है अ गॉट इज ईटिंग ग्रास. Is eating grass. इसमें got animals में आएगी. Is eating. Eating तो एक action हो गया, ये कोई naming word नहीं है. Grass things में आएगा. Okay. Fourth है mother is cooking dinner. इसमें बताओ कि नेमिंग वर्ड कौन सा है? नाउन है. इसमें मदर. मदर नाउन होगा. इज कोई नाउन नहीं होता. कुकिंग एक एक्शन है और डिनर कोई नाउन नहीं होगा. ओके मदर होगा इसमें नाउन. फिफ्थ है द कारपेंटर इज मेकिंग अ स्टूल. इज मेकिंग अ स्टूल. इसमें कौन सा होगा नेमिंग वर्ड? दी कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता. कारपेंटर. कारपेंटर पर्सन में आता है, ये नेमिंग वर्ड होगा, इसके नीचे अंडरलाइन करना है. इज मेकिंग तो एक एक्शन हो गया. अ स्टूल. यस स्टूल किस में आएगी? थिंग्स में. तो यहाँ पे हम स्टूल को अंडरलाइन करेंगे. ओके सिक्स देखो. सिक्स में क्या है? एन ओल्ड वुमेन. यहाँ पे वुमेन पार्ट प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. यहाँ पे वुमेन नेमिंग वर्ड होगा. विथ अ स्टिक. स्टिक पकड़ने की चीज है, तो वो किस में आएगी? थिंग्स में. स्टिक अंडरलाइन करेंगे आप. इज क्रॉसिंग द रोड. रोड किस में आएगी? प्लेस में. तो रोड को अंडरलाइन करना है. ठीक है इस एक लाइन में थ्री नेमिंग वर्ड्स है. कौन कौन से हैं? वुमन स्टिक एंड रोड. समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया क्या? आगे देखो एच पेज नंबर 13. लुक एट द पिक्चर्स
and complete the sentences with naming words. Choose the words from the box. हमें इन blanks को fill करना है और इन box में से words को choose करना है, okay? First में क्या आएगा? The is shining. First में क्या आएगा? बताओ बताओ क्या आएगा first में? Yes, the moon is shining. Moon आएगा. The moon is shining. चलो board पे लिखती हूँ. आप सब लोग लिखो pencil से अपनी book में. बुक में अभी कर लो, फिर नोटबुक में क्लास खत्म होने के बाद कर लेना. फर्स्ट द मून आएगा इसमें. द मून इज शाइनिंग. ओके. सेकंड है देयर इज ए बर्ड. देयर इज ए बर्ड इन दी क्या होगा? इन दी क्या आएगा इसमें? सेकंड नंबर वाला नेस्ट. फोटो बनी हुई है ना नेस्ट की. थर्ड देखो, थर्ड में क्या आएगा? दी ब्लैंक इज वॉटरिंग द प्लांट्स. वॉटरिंग दी प्लांट्स क्या आएगा इसमें? गार्डनर. पानी पानी कौन दे रहा है प्लांट्स को? गार्डनर. सबसे लास्ट वाला वर्ड. फोर्थ द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग. द क्लाइंबिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? चढ़ना. स्क्विरल क्या कर रही है? चढ़ रही है. किसके ऊपर चढ़ रही है? ब्लैंक में क्या आएगा? ट्री. ट्री के ऊपर चढ़ रही है. फिफ्थ है दी इज अ टॉल एनिमल. इसमें क्या आएगा? लंबा एनिमल कौन सा होता है? जिराफ. वेरी गुड. जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ. द जिराफ इज अ टॉल एनिमल. सिक्स में क्या होगा? ही इज रीडिंग. क्या पढ़ रहा है वो? फोटो में देखो वो क्या पढ़ रहा है. रीडिंग अ न्यूज़पेपर. अखबार. ओके, लिख लिया सबने? हैव यू कंप्लीटेड? ओके, वेरी गुड काव्या. फेज नंबर 14 है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस with naming words. The first letter of each word is given in brackets. यहाँ पे क्या करना है? हमें blank को fill करना है और blanks को किससे fill करना है? सिर्फ naming words से. सिर्फ naming words ही हमें इन blanks में लिखने हैं. और जिस spelling से fill करना है ना, उस spelling का first letter हर sentence के last में लिखा हुआ है. First देखो क्या है? She has a long cap. C लिखा हुआ है. क्या होगी? क्या spelling होगी? दी हैज अ लॉन्ग कैप. किसके होती है? किसके पास लंबी कैप है? सी लिखा हुआ है ब्रैकेट में. सी फॉर क्या होगा? क्लाउन. सी फॉर क्लाउन. फर्स्ट दी सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन हैज अ लॉन्ग कैप. ओके, सेकंड है द बॉय इज गोइंग ऑन अ. किस पे जा रहा है बॉय? ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है. बी फॉर क्या होगा? बाइसाइकल. ओके, थर्ड है दी इज राइजिंग. क्या राइज हो रहा है? सन. ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है तो एस फॉर सन. ओके, फोर्थ है दी brings us
अस लेटर्स. कौन लेके आता है हमारे लिए लेटर? पी फॉर क्या होता है? पोस्टमैन. फिफ्थ, फिफ्थ है द गर्ल इज ईटिंग अ, द गर्ल इज ईटिंग अ, बी लिखा हुआ है. बी फॉर क्या होगा? बनाना. बी ए एन ए एन ए, बनाना. और सिक्स है देयर इज अ ऑन द हट. हट पे कौन है? हट पे कौन है? हैट, हैन. एच फॉर हैन. ओके ओके, एच फॉर हैन. पिक्चर बनी हुई है ना हैन की, तो यहाँ पे आपको हैन लिखना है. ओके, देयर इज अ हैन ऑन द हट. सिर्फ नेमिंग वर्ड्स लिखने होते हैं. और इसमें क्या है कि सारे सेंटेंस के आगे एक वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसी वर्ड से स्पेलिंग स्टार्ट होगी. ठीक है ना, उसी लेटर से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, इसीलिए वो लिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट में सी लिखा हुआ है तो सी फॉर क्लाउन हो जाएगा, बी फॉर बाइसाइकल, एस फॉर सन, पी फॉर पोस्टमैन, बी फॉर बनाना एंड एच फॉर हैन. ओके, जल्दी से कंप्लीट करो इसको अपनी नोटबुक में, अपनी बुक.